सभी सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय गुरु रविदास, जय वाल्मीकि महाराज। साथियों, कुछ दिनों से देख रहा हूँ, दो तीन दिन से देख रहा हूँ कि कुछ भ्रांतियाँ लोगों के दिमाग में चल रही हैं। अभी हाल ही में एक मीडिया बंधु ने एक पोस्ट वायरल की कि ये जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं 19 तारीख को, ये आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का या संगठन विशेष का है। बहुत ही घटिया मानसिकता के तहत ये काम किया जा रहा है। इस आंदोलन को किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से या किसी संगठन विशेष के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके की मानसिकता बनाई जा रही है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि जो आंदोलन हो रहा है, ये जो कुठाराघात इस मनुवादी सरकार ने गुरु रविदास जी का जो आश्रम था तुगलकाबाद में 600 साल पुराना, वो तोड़ करके हमारे हृदय पे जो आघात पहुंचाई है, जो चोट पहुंचाई है, उसके लिए प्रदर्शन हो रहा है। 19 तारीख को हम लोग सब मिल करके, बहुजन संगठन, जितने भी बहुजन संगठन, तमाम बहुजन संगठन मिल करके 19 तारीख को जहाँ पे मंदिर तोड़ा गया है, जहाँ पे गुरुग्रह तोड़ा गया है, वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ पे पुरजोर तरीके से इस सरकार से मांग रखेंगे जो गुरुग्रह है दोबारा से बनवाने की कृपा करें। और ये जो लोग हैं, कुछ लोग देख रहा हूँ कि फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही मतलब भ्रांतियाँ फैलाने का काम कर रहे हैं। दो तारीखें चला रखी हैं, एक 21 और एक 19, और एक 21 का और 19 का किसी व्यक्ति विशेष और संगठन विशेष के नाम से जो है ये लोग इसको प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। देखिए साथी, ये बहुजनों का आंदोलन है, ये किसी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है, ये बहुजनों का आंदोलन है, ये हम सब का आंदोलन है। गुरु रविदास जी हम सबके हैं, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं है, ठीक है, या किसी एक संगठन विशेष के नहीं है। यह बहुत ही गलत दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, ठीक है। ऐसा दुष्प्रचार करने वालों को मैं कड़े शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, वरना सुधारना भी आता है हमने, और जब हम सुधारने पर आ जाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, ठीक है। और सभी सम्मानित साथियों से फिर से अपील करता हूँ कि 19 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग वहाँ पहुँचें, जहाँ इस मनुवादी सरकार ने हमारा गुरुग्रह तोड़ा है, और दोबारा से इस सरकार को झुकाने का काम करें और गुरुघर वहीं पर बनवाने का काम करें। सतनगर मार्केट है, उनके साथ बैठ के हड़ताल करते हैं। और अगर चांदनी चौक में किसी माता के मंदिर की मूर्ति टूटती है तो लाला जी उनके जगह समर्थन में खड़े होते हैं। ये जो गुरु घर तोड़ा गया है रविदास जी महाराज का, ये ऐतिहासिक स्थान था जिसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। 600 वर्ष पहले जब इस दिल्ली पर सिकंदर लोदी का राज था, है ना, जो आज कहते हैं ना कि हम इस देश के हुक्मरान है जो लोग बने हुए हैं, 5 दिन की हुकूमत पे इतना गुरूर, वो तो सदियों से सुल्तान थे जो मुसलमान थे, है ना, उन्होंने पूरा परचम लहराया यहाँ पर। उन लोगों ने भी हमारे गुरुओं को सम्मान दिया और सिकंदर लोदी ने गुरु महाराज को अपना गुरु धारण किया, और वो जो जमीन थी 3 एकड़ जमीन, वो गुरु जी के नाम से अलॉट करी गई, उस सरकारी कागजात में लिखा गया। ये उस समय से है जब ये DDA VDA क्या, इस देश में कोई आज़ादी ही नहीं थी, है ना, मुगलों का राज था। उस मंदिर को किस नीयत से तोड़ा गया, इससे समझने की बात है। इनको दिक्कत मंदिरों से नहीं है, मंदिर तो वाल्मीकि के बहुत है, भगवान के मंदिर आपको माता के ही बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन जो एक्टिविस्ट हैं, जो संत एक्टिविस्ट हैं, जैसे रविदास जी महाराज, वो सीधा सीधा कुठाराघात करते थे जातिवाद पर और इस जो हिंदू व्यवस्था जो बना रखी इन लोगों ने, इस पे पूरा सीधा का सीधा निशाना चाहते थे। वो कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन, छोट बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास महाराज सिर्फ जो है ना, रविदास गुरु नहीं है, सिर्फ चमार समाज के गुरु नहीं है, वो इस देश में मानवता के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने हमेशा मानवता के लिए बातें रखी। रविदास महाराज जी ने एक बात कही थी, मन चंगा ते कटौती में गंगा। अरे तुम बगल में खंजर रख के चलते हो RSS के लोगों, भाजपा के लोगों, अगर हम हिंदू हैं तो आज कहाँ गए RSS के लोग, कहाँ गए विश्व हिंदू परिषद के लोग, कहाँ गए बजरंग दल के लोग, कहाँ गए करणी सेना के लोग, कहाँ गए तमाम हिंदू संगठन। अगर हम हिंदू हैं तो आओ हमारी लड़ाई में हमारे साथ, दिखाओ इस केंद्र की अंधी बहरी सरकार को कि हिंदू कितनी ज़्यादा शक्ति में है। लेकिन नहीं, इस देश में हम हिंदू जब होते हैं जब चुनाव होता है, इस देश में हम जब हिंदू होते हैं जब मुसलमानों के साथ दंगे होते हैं, नहीं तो हम लोग चूड़े चमार धानक तेली तमोली जाट गुज्जर अहिर यादव फलाना ढिकड़ा ये
ये होते हैं हमारे औकात बिताते हैं। सर ये जो मंदिर का जो मसला है ये पिछले कई साल से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था, पहले मामला सेशन कोर्ट में गया, फिर वहाँ से हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, क्या लगता है आपको क्या जो मंदिर समिति है वो इसमें सही तरह से पैरवी नहीं कर पाई? देखिए मंदिर वही बनाएंगे हैं, तारीख नहीं बताएंगे, राम लला हम आएंगे, तुम्हारा राम राम और हमारा भगवान कुछ नहीं। अरे उस राम का तो फैसला अभी तक हुआ नहीं सुप्रीम कोर्ट में, इस हमारे जो सही में राम का अस्तित्व मुझे नहीं पता है कि नहीं है, काल्पनिक है क्या है, लेकिन हमारे रविदास महाराज का अस्तित्व है, उनका तो अभी तक कोई वंशज भी नहीं मिला है, वो फर्जी तरीके से बातें सामने आ रही हैं। अरे आप एक चीज देखिए ना, जो वाल्मीकि भगवान है जिन्होंने रामायण की रचना की, उन्होंने एक बार भी भगवान राम नहीं लिखा, उन्होंने उस रामायण में हजारों बार ये लिख रखा राजा रामचंद्र, राजा हो सकते हैं, दशरथ के बेटे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग रावण की बात करें ना तो महात्मा रावण कई सौ बार लिखा हुआ है उसी रामायण वाल्मीकि भगवान ने, ठीक है, लेकिन उस रावण को ये लोग जलाते हैं, है ना। और उस रामलीला देखने जब लोग जाते हैं, जब लोग रेल के नीचे आए कटके मरते तो भगवान प्रकट नहीं होते, जब किसी बहन बेटी का बलात्कार होता तो कोई माता दुर्गा प्रकट नहीं होती, गजब के लोग हैं। चलो छोड़ो उस चीज में नहीं जाते हम, लेकिन रविदास जो महाराज का मंदिर है ना वो वहीं बनेगा। अपने आंख और नाक और कान खोल के सुन लो मनवादी लोगों, इस समाज को मत सड़क पे उतारो, ये समाज जब सड़क पे आता है ना तो खून की क्रांतियां होती हैं। हम नहीं चाहते कि देश बर्बाद हो, हम नहीं चाहते कि अपने ही देश के लोग अपने देश के लोगों से भिड़े, अपने ही देश के पुलिस वाले अपने लोगों के ऊपर जैसे कश्मीर में गोलियां चला रहे वैसे चलाएं। और मैं बताऊं आपको, हमारे महापुरुषों ने इस देश में ऐतिहासिक लड़ाइयां लड़ी हैं, अशोक का जो सम्राट अशोक थे, कलिंगा का युद्ध लड़ा सम्राट अशोक ने, वो हमारे पूर्वज थे, ओबीसी समाज से थे। इस देश में कोरेगांव की घटना कितनी बड़ी हुई, वो हमारे पूर्वज थे। 2 अप्रैल का आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशनल आंदोलन हमने किया जिसमें उपकार बावरा जैसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया और बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं अभी भी, ठीक है। और ये जो 21 का जो ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है, बहुत सारे चंगू मंगू घूम रहे हैं देश में, है ना, बहुत सारे चंगू मंगू घूम रहे हैं, लेकिन ये जो आंदोलन है 19 तारीख का कल एक आंदोलन है जिसमें सारे लोग अपने घर से एक एक फूल लेके जाएंगे और रविदास महाराज के वहां पर चढ़ाएंगे। संदीप जी जैसे आप विधायक हैं, दलित समुदाय से आते हैं, और जिस तरह से आप इस लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं, लोगों को इसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि इस आंदोलन में समर्थन करें और आए, उस तरह से जो हमारे सांसद हैं, 131 सांसद हैं हमारे देश में जो दलित समुदाय से आते हैं, अभी तक वो कभी इस मामले में खुलकर सामने नहीं आए हैं, क्या कारण है इसका? देखो आपने एक फिल्म देखी होगी सनी देओल की, उसमें एक डायलॉग है कि कातिया का कुत्ता, ये सब कातिया के कुत्ते हैं, इनका मालिक कहता भौंकते हैं, इनका मालिक कहता काटते हैं, जैसे मर्सिडीज में सैंपल गाय कुत्ते को नहला के बैठा देते ना और वो सोचता मेरी प्रवृत्ति बदल गई, और उसको कब सड़क पर छोड़ देगा मालिक, दूसरी गाड़ी डाले जाएगी समझ में नहीं आएगा। ये जितने लोग हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर जो पूना पैक्ट आप पढ़ना उसको, बाबा साहब यही चाहते थे कि ये जो सुरक्षित सीटें हैं इस पर कोई पार्टी चुनाव ना लड़े, समाज के लोग तय करे कौन जीतेगा। तो ये जो लोग हैं ये टिकटें लेकर के नौकरी कर रहे हैं वहां पर, अपने समाज की तो बात छोड़ दो, अपनी लुगाई की सिफारिश नहीं कर सकते उन सरकारों में, ये इनकी औकात है, ठीक है। तो ये समाज की लड़ाई भाई चंद लोग लड़ते हैं, बहुत सारे लोग राजनीति भी कर रहे हैं, कुछ लोग दलाल हैं, कांग्रेस और भाजपा के एजेंट हैं, है ना। जब जब कुछ लोग वहां पहुंचेंगे तो कांग्रेस तुरंत पहुंचती है, कांग्रेस कुछ लोगों को प्रमोट करने का काम कर रही है, और उन लोगों की मौजूदगी में मंदिर तोड़ा जाता है और वो बैठा बैठा देख रहे हैं, मूक दर्शक बैठे रहते हैं। अरे भाई हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो पुलिस को देख के उनको पसीना आ जाए और वो लोग बेहोश हो जाए, चक्कर आ जाए। इस बहुजन समाज में शेर पैदा हुए, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे, मान्यवर साहब कांशीराम जैसे, और बहन जी इस हिंद की शेरनी है, तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, कुत्तों की जरूरत नहीं, इस आंदोलन में शेरों की जरूरत है। जिसकी माँ ने शेरनी का दूध पिला रखा ना वो आना वहां अमर मंदिर के वहां पर, जो समाज के लिए मरने के लिए तैयार हो, जो गद्दार है ना वो बेशक से वहां पर ना आए। और 21 तारीख का 19 तारीख का 2 अलग अलग आंदोलन है और समाज के लोग कर रहे हैं, लोग भड़का रहे, उपकार बावरा का आंदोलन है जी, फलाने का, ढकड़े का, किसी का आंदोलन नहीं है ये। गुरु रविदास जी ने अपनी अपने त्याग करके अपना बलिदान दे करके समाज को एक संकेत दिया कि इकट्ठे हो जाओ, बेधर्मियों की खतरनाक लोगों की सरकार है इस देश में, अगर तुम लोग इकट्ठे नहीं हुए तुम्हें अलग अलग करके मारेंगे, सारे के सारे रविदास महाराज को जानने वाले सारे लोग इकट्ठे हो जाओ। संदीप जी मुझे आप ये बताइए, जैसे कि मैं 2 तारीख बताई गई है 1921, इसका पूरा मामला क्या है? देखिए ये जो शरह लेने की कोशिश कर रही है, कुछ लोग बाबा साहब के नाम से दुकान चला रहे हैं जी जी। और फॉर्चुनर में चलते हैं, ठीक है, दुकान चला के फॉर्चुनर में चलते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि इसको कैश कर लें,
और मैं बताऊं वो लोग राजनीतिक पार्टी भी बनाएंगे उनकी मंशा। और 2020 का जो चुनाव है ना उसमें सेटिंग भी करेंगे कांग्रेस से, चुनाव भी लड़ेंगे, पहले बता रहा हूँ। वो लोग इस आंदोलन को चुनावी आंदोलन बनाना चाहते हैं, इसलिए कुछ लोगों ने ये भ्रांति फैला दी। दिल्ली के लोगों पे एलिगेशन लगता है कि दिल्ली के लोग कुछ नहीं करते, इसलिए दिल्ली के तमाम संगठनों ने, तमाम लोगों ने, बलविंदर भाई ने, उपकार भाई ने, हमने, सब ने, बहुत सारे संगठनों ने मिल के आवाज़ उठाई है, और उन संतों ने भी उठाई है जो बागमारे साहब है वो भी हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्हें भी कहा कि 19 तारीख का जो आंदोलन है वो दिल्ली के लोग जो है ना कर रहे हैं, और जो उसमें सहयोग करना चाहे, जो आना चाहे वो वहाँ पर आ सकता है। और 21 का जो आंदोलन है वो देशव्यापी आंदोलन है, और वो भी रहबरों की जो हमारे जो संत हैं, महात्मा हैं, वो लोग कर रहे हैं। और जो लोग फैला रहे हैं ना कि ये फलाना संगठन कर रहा है, वो कर रहा है, तो 21 तारीख को ना बहुत सारे लोगों की गलतफहमियाँ दूर होंगी, ठीक है। और जो समाज का दलाल बन के सोचेगा ना वहाँ पर राजनीति चमका लेंगे, तो उसकी इज्जत का जिम्मेदार खुद होगा, सोच समझ गया ना भाई जो भी वहाँ पर आए। अच्छा संदीप जी, इस जो पूरा आंदोलन है रविदास जी के मंदिर को लेकर, इसमें एक खास व्यक्ति को लेकर ये पूरा एक मतलब बनाया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है, नेता बना दिया गया उसको, क्या ये किसी पार्टी विशेष को या किसी संगठन विशेष को लेकर ये आंदोलन हो रहा है? अरे उन लोगों ने बतेरे देखे होंगे आपने, जंतर मंतर में 100 लोग इकट्ठे नहीं होते उनसे, ठीक है। और जब अब उसने आंदोलन, उसने आह्वान तो पहले भी किया था, कितने लोग आए वहाँ मंदिर पे, मुझे किसी के माध्यम से कह रहे कि संदीप भाई से कह दो आह्वान कर दे, मत तू बुला लेना वहाँ पर। ऐसा है, सुनो भाई, शेर तो अकेला ही काफ़ी होता है ना, और शेर की खाल ओढ़ के ना भेड़िया कभी शेर नहीं हो सकता। समाज सब समझता है, पूरे समाज में चर्चा है, किसी का आंदोलन नहीं है ये, जो संत महापुरुषों का, रविदास महाराज का आंदोलन है, और 21 को ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। अगर ये सरकार नहीं मानी ना तो हम लोग इस देश में ना वो कर देंगे जो आज तक नहीं हुआ। संदीप भाई, बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से लोग आ रहे हैं, यूपी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लोग आ रहे हैं, आप बता रहे हैं सिर्फ दिल्ली का आंदोलन है? नहीं, इसमें कोई भी आ सकता है, हमने ये डेट भी इसलिए रखी थी 19 की कि ताकि ये 21 को बॉर्डर सील करेंगे सारे, 21 तारीख को सारे बॉर्डर सील करेंगे, हो सकता है 20 को रात को ही कर दें, तो जो लोग आएंगे 19 को उनकी व्यवस्था की गई अंबेडकर भवन में, हम लोगों ने की है, वो सारे लोग वहाँ रुकेंगे, और 19 को वो लोग आना चाहे आए आंदोलन में, लेकिन 19 को जो है ना हम लोग एक तरह से गुरुजी की पूजा करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, अपने संत महापुरुष की पूजा करने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, उसमें सब लोग आए, कोई दिक्कत नहीं, सबका स्वागत है। और वहाँ पर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम ऐसे वैधानिक काम नहीं करेंगे, अगर पुलिस गुंडागर्दी करेगी, जबरदस्ती करेगी, तो जो होगा वो फिर प्रशासन जिम्मेदार होगा उसका। अच्छा ऊपर बावरे, जिस तरह से 2 अप्रैल को बड़ा आंदोलन हुआ था पिछली बार, उसमें काफ़ी लाठीचार्ज हुआ था, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी जो आंदोलनकारी थे, इस बार आपने क्या नई जो इसमें सहूलियत बरतने जा रहे हैं? देखिए, बहुत सारे सहूलियत है। सबसे पहली बात तो हम लोग इसकी परमिशन लेके आए हैं, सरदार जी ने परमिशन ले रखी है, और जब परमिशन मिल चुकी है तो प्रशासन की सारी जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई जो है हाहुल्ला नहीं होगा, सारी चीज़ें शांतिप्रिय तरीके से होंगी, हमारी देखरेख में होगी, हमारे वॉलंटियर के साथ होगी, कम से कम जो है 500 की संख्या में वॉलंटियर वहाँ पर उपस्थित होंगे, और सारी चीज़ें जो हैं देखरेख में होंगी, किसी प्रकार का कोई ऐसा वैधानिक कार्य नहीं होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी इस कार्यक्रम की। इस आंदोलन में कितने लोग आने की उम्मीद है बाबरा जी? देखिए, लगभग जिस तरीके से आंकड़े लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तराखंड और राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्यों से वहाँ पर लोग उपस्थित होंगे। अब आप लगा सकते हैं किस प्रकार से वहाँ भीड़। बाबरा जी, एक सवाल और आपसे लास्ट, ये मुझे बताइए जो ये जो आंदोलन है इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी भी क्या सपोर्ट कर रही है या कोई नेता? आप बहुजन समाज पार्टी के। देखिए, इसमें BSP सपोर्ट कर रही है, दूसरा और भी कोई आ सकता है, कोई आवश्यकता नहीं, परंतु हम मंच नहीं लगा रहे हैं। सबसे पहली बात, हम लोग मंच नहीं लगा रहे हैं, हम वहाँ पर राजनीति नहीं होने देंगे, ये सामाजिक कार्यक्रम है, समाज के जो है ऑथराइज से, समाज के दायरे में रह करके कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है, किसी को मना नहीं है, राजनीतिक हो चाहे कोई भी आ सकता है, परंतु वहाँ पे राजनीति ना करे, ठीक। और जो राजनीति करेगा, कहना जो है संदीप भाई ने कहा है जी, ठीक है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है। ये जो आंदोलन है संतों का आंदोलन है, और संतों का आंदोलन अगर राजनीति करोगे तो तुम्हारा जो ना पूर्वज ही सुरक्षित नहीं है, तुम्हारे महापुरुष ही सुरक्षित नहीं है। कुछ लोग क्या होता है ना, जब किसी औरत के अगर समय से पहले बच्चा पैदा हो जाए 7 महीने का, तो लंगड़ लूला पैदा होता है, और सही मैच्योर होके पैदा हो 9 महीने में तो बच्चा अष्टपुष्ट बनता है। तो कुछ लोग 7 महीने पैदा हुए नेता हैं, ठीक है, वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो है ना बहुत मजबूत पैदा हुए हैं, ठीक है, जैसे आए हैं वैसे हवा निकलेगी उनकी, है ना, कुछ नहीं है ये, किसी औकात नहीं है इनकी, हम लोग वहीं रहेंगे। और चैलेंज है उन लोगों को
चैलेंज है और बेसिक से ले लें, कुछ जो करना वो कर लें, स्टेज पे नहीं चढ़ने देंगे ऐसे लोगों को जो राजनीति करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।